जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया किस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जुड़े हैं मुझसे एक ऐसी चर्चा पे जहां आपके मतलब की है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब 2 हफ्ते और पोस्टपोन हो चुका है। 26 मई को एग्जामिनेशन आपका होना था, अब वो एग्जाम 16 जून को होगा। ये क्यों होगा, आखिर किस वजह से इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है? यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा की आयोग की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आई है। क्या लिखा है, ये लिखा है कि ड्यू टू द शेड्यूल ऑफ इम्पेंडिंग जनरल इलेक्शन द कमीशन हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब कि जो लोकसभा चुनाव आ चुका है, जो अभी आप आज के टाइम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौर में जी रहे हैं, ये आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस समय में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी, क्योंकि उस परीक्षा में आयोजित करने के लिए कई सारे मैन पावर्स की जरूरत पड़ेगी, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्शंस में जो स्टाफ जाएंगे उनमें से ये स्टाफ कम हो जाएंगे। इस वजह से मशीनरी जो है गवर्नमेंट की, वो 100% फोकस होना चाहती है हमारे लोकसभा चुनाव के लिए। चुनाव 19 अप्रैल से चालू है, 5 जून को इसका रिजल्ट आएगा, मतलब कि कौन नया प्रधानमंत्री बनेगा उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 16 जून को आपका एग्जाम है। आपको 20 दिन और मिल चुके हैं, मतलब कि जो भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे थे 20 दिन और मिल चुके हैं। और मुझे लगता है ये जो 20 दिन मिले हैं ना, इसमें एकदम आंख बंद करके रिवाइज करो यार, मतलब अंधाधुंध रिवाइज करो, कुछ नया मत पढ़ना, कुछ भी नया मत पढ़ना, सिर्फ रिवाइज 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 रिवाइज। और 20 दिन में ना 3-3 दिन का सब्जेक्ट बांट लेना यार, मतलब ये ग्रेस पीरियड आपको नहीं मिलने वाला है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जामिनेशन की डेट रखाई है, करीब आया है, और चुनाव की वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। और साथ ही में रिसेंटली ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है, 18th लोकसभा का इलेक्शन, और ये आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आचार संहिता क्या होती है, हमने एक वीडियो भी लिया है, एंड में मैं आपको लगा दूंगा। इस बार की जो नोटिफिकेशन थी उसमें कई सारे नए नए बदलाव देखे गए थे, जैसे कि फॉर्म फिल करने की डेट को एक्सटेंड किया गया, फॉर्म को करेक्ट करने की डेट को एक्सटेंड किया गया। मतलब ये कुछ तो कमाल होने वाला है इस बार यूपीएससी के पेपर में, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो प्लीज पेपर को छोड़िएगा मत, स्किप मत करिएगा, अटेम्प्ट अच्छे से पढ़िएगा। इस बार उम्मीद है कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे और आपके लाइव क्वेश्चंस आएंगे। इस बार की जो वैकेंसी है वो लगभग 1056 वैकेंसी है ऑल ओवर में, जहां पे 200 आईएएस आईपीएस की तो सीट होती ही होती है। 1056, इट्स नॉट बैड, ठीक है? तो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के तहत जुड़िएगा, और कल आपको जुड़ना है शाम को 6 बजे अड्डा 24/7 आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे होने वाला है सबसे बड़ा गिव अवे। जी हां, सबसे बड़ा गिव अवे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जुड़िएगा जरूर और देखिए कैसे इस एग्जामिनेशन में आपको हर एक कंटेंट अच्छा मिलेगा और उस एग्जामिनेशन के प्रति आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ये चीजें आपको मिलेंगी, कल शाम को 6 बजे आइएगा, हम तो रहेंगे ही वहां पे। और साथ ही में ये मैंने सेशन लिया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वॉयलेशन पर क्या सजा मिलेगी। ये इंडियन पॉलिटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आर्टिकल 324 से रिलेटेड पिछड़ा क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड सवाल क्या होते हैं, ये सब मैंने सेशन में लिया हुआ है, लिंक अटैच कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नीचे कॉमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, क्योंकि मेंटरशिप की जरूरत आपको भी है, मुझे भी है, मतलब मुझे देनी है, आपको लेनी है, जैसे अर्जुन को मिली थी कृष्ण के द्वारा, जैसे हनुमान जी को मिली थी राम जी के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य को मिली थी चाणक्य के द्वारा, वैसे आपको भी मेंटरशिप मिलेगी, चाहे आप कॉलेज से फुल टाइम या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, आप आइए भरिए, और साथ ही में आप नीचे टेलीग्राम है, वहां पे जाके डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।